गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोगों को हम कोशिका के प्रकार के बारे में बताएंगे। कोशिका के प्रकार जो है दो प्रकार का होता है। पहली चीज है केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर जो है कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। दूसरा नंबर ऑफ सेल्स के आधार पर कोशिका को दो भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले आज हम जिस पर डिस्कशन करेंगे, जो चर्चा करेंगे, बातें करेंगे, वो केंद्रक के आधार पर। यहाँ पर केंद्रक के आधार पर, केंद्रक के आधार केंद्रक की उपस्थिति के आधार पर जो है कोशिका को जो है दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, कोशिका दूसरा जो है आपका यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका। अब आपको हम बताएंगे सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में बताएंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका होती क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, इसका अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत जो है केंद्रक कला का अभाव होता है, जो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इसका ध्यान दीजिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला का अभाव होता है। और दूसरा है केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ जैसे डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, ये सब कोशिका द्रव में स्वतंत्र रूप से जो है रहते हैं। इनका बंधन नहीं होता है कि ये कहीं एक निश्चित स्थान पर है, ये स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव में टहलते या घूमते रहते हैं। इन्हीं के कारण, केंद्रक कला के अभाव के कारण और डीएनए, आरएनए, प्रोटीन कोशिका द्रव में पाए जाने के कारण, इन्हीं के कारण इनको न्यूक्लियोइड के नाम से जाना जाता है। न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड। तीसरी जो विशेषता होती है प्रोकैरियोट की, यह है कि इसमें राइबोसोम जो पाया जाता है वो 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। चौथी विशेषता प्रोकैरियोट की यह है कि केत की आपका कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में या कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गालिकाय, माइटोकांड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम का अभाव होता है। यही चार इनकी मुख्य विशेषताएं हैं। जबकि यूकैरियोट में जो है केंद्रक कला पाया जाता है और केंद्रक के अंदर डीएनए, आरएनए और हिस्टो नाम की प्रोटीन पाई जाती है और इसमें राइबोसोम 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है और कोशिका के अंदर सभी कोशिकांग जैसे आपका माइटोकांड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, सारे कोशिकांग प्रेजेंट होते हैं या पाए जाते हैं। अगर बात आती है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या अंतर है, तो सबसे पहले अंतर आप कहेंगे प्रोकैरियोट में आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक कला का अभाव होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला पाया जाता है। दूसरा जो सबसे बड़ा अंतर होता है कि प्रोकैरियोट कोशिका में कोशिका द्रव्य में डीएनए, आरएनए, प्रोटीन ये सब मुक्त अवस्था में रहते हैं, बंधन में नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में
सारे कोशिकांग डीएनए आरएनए प्रोटीन हिस्टोप्रोटीन ये सब केंद्रक क्लास से आपके बने होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। तीसरा जो अंतर आता है यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में, प्रोकैरियोट में 70 यस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है जबकि यूकैरियोट में 80 यस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। चौथा अंतर प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग जैसे माइटोकांड्रिया गाल्जिकाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम लाइसोसोम का अभाव होता है या अविकसित अवस्था में रहते हैं जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत पाए जाने वाले सभी कोशिकांग पूर्ण विकसित होते हैं। बस आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक।